भिलाई में आज ईडी ने फिर से रेड मारा, तीन जगह पे रेड मारा, लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि सुबह तो काफी सब आए थे, तो सब तो कुछ नहीं निकला ना। ओ, किसी ने गलती से उनका घर का एड्रेस दे दिया है। आप मानते हैं कि ये कार्रवाई गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है, ये पाप हुआ है। जैसे कि आप बता रहे थे कि डर गए थे, सहम गए थे। हाँ, वो तो रो रहे थे बेचारे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। भिलाई में आज ईडी ने फिर से रेड मारा, तीन जगह पे रेड मारा। राधिका नगर सुपेला पे, दाऊबाड़ा तालाब के पीछे दो घरों में और दाऊबाड़ा तालाब के जस्ट सामने एक घर पर ईडी ने दबिश दी सुबह तलाशी लेने के बहाने, लेकिन वहां उनको कुछ उनके हाथ नहीं लगा। जैसे कि आपको पता होगा कि महादेव ऐप सट्टा को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है और कहीं ना कहीं ये कड़ी भी उससे जुड़ी हुई है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर जाने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अगर इतना ही है तो सौरभ चंद्राकर को केंद्र सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है। दरअसल हम पूरा मामला बता दे कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम महादेव सट्टे पैसे को लेकर लेवा देवा किया गया है। 508 करोड़ रुपए का लेन देन का एक चार्जशीट बनाया गया है, प्रेस रिलीज ईडी ने जारी किया था। उसी संबंध में दुर्ग भिलाई के कई ठिकानों पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों हसिंग बोर्ड में भी ईडी ने एक घर में छापा मारा जहां उसको करोड़ों रुपए कैश एक ड्राइवर के यहां से मिला। फिर कुछ समय बाद दुर्ग पुलिस का एक आरक्षक भीम, वो भी महादेव सट्टे में संलिप्त पाया गया, उसकी भी गिरफ्तारी ईडी ने की और उसको ले जाके पूछताछ किया गया। कहीं कहीं ये सब मामला एक दूसरे से कनेक्ट है और क्लू मिलते जा रहा है जैसे ईडी छापा मारते जा रही है। जैसे कि हमको यहाँ पता चला यहाँ पे आने पे कि ये बीएसपी रिटायर कर्मचारी यहाँ रहते हैं, बुजुर्ग लोग, इनके यहाँ पुलिस छापा मारी थी। अब ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों से हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला है और क्या कुछ माजरा है। तो ज्यादा कुछ इस मामले में जानकारी नहीं है। एक अम्मा मिली है, भाजी ले रही है, बता रही थी। कैसे जानती हैं आप पड़ोसी को? पीछे गली में रहते थे भाई। अच्छा, ये सामने वाले। हाँ। कैसा है इनका बैकग्राउंड? बहुत बहुत अच्छा, नंबर वन। एक मिनट, आपसे पूछा वन के शरीफ लोग कोई भिलाई में नहीं मिलेंगे ऐसे। शरीफों के यहाँ ईडी? ओ, किसी ने गलती से उनका घर का एड्रेस दे दिया है। अच्छा, कौन कौन रहते हैं घर में? बस पति पत्नी, बच्चे दोनों बाहर सेटल्ड है, पुणे और बॉम्बे में। बच्चे क्या करते हैं इनके? एक इंजीनियर है, दूसरा भी अपना कॉमर्स, अपना साइंटिस्ट है इनकी बहुत। हो, आप मानते हैं कि ये कार्रवाई गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है, ये पाप हुआ है। मैं सुबह आ नहीं पाई, मैं तो सबको डांटती अच्छे से निकल जाओ। कितने लोग आए थे अधिकारी लोग? बड़े बड़े जी, हमने दूर से देखा, डर गए, गन मैन आए, क्यों कोई आए। मैं क्या, मैं साथ में सैर करने गई। तो भैया आप यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं अम्मा जी, आप जाओ, बुजुर्ग हो, आपको नहीं बताएंगे। जैसे कि आप बता रहे थे कि डर गए थे, सहम गए थे। हाँ, वो तो रो रहे थे बेचारे। ऐसा, ये व्यवसाय क्या करते थे? कुछ नहीं बता तो रही, बीएसपी की सरकारी नौकरी। हम यही जानते हैं कि एक ठेला वाले हैं, सब्जी बेचने आते हैं, 100 के लेते हैं, उनको मेरा 20 रुपया होता है, उनको हम 80 काट लेंगे। तो एको बार नहीं कहेंगे, ऐसा सीधा साधा आदमी है, उन पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, गलत है मेरा जानकारी में। कितने साल से जान रहे हो आप? हम लगभग 7-8 साल से जानते हैं, एक गली में आते हैं तब से जान रहे हैं कि उनको ऐसा चीज है ना कि 10 रुपये फेरना है, 2 रुपये फेर दो तो वो मान जाते हैं, एकदम सीधा साधा है। ये भाजी कितने रुपए किलो दे रहे हो? ये दे रहे हैं 20 रुपये। अब इसको 40 में बेचोगे तो ईडी नहीं आएगी आपके घर? तो मेरा तो उतने आएगी, 100 रुपये कमाएंगे, घी झेज के 100 रुपये खा जाएंगे, तो आएगा कहाँ से? ऐसा जाने कोई बहुत बड़ा संपत्ति वाले इन लोग, कोई काला धन छुपा के रखा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं है, जैसे बूढ़े या बुढ़ी लोग है ना, तो आप देखिएगा ना, तो मारा एकदम सीधा साधा है, एकदम सीधा साधा, जैसे है दादी मेरी है। हाँ, हाँ, जैसे वो एकदम सीधा है। ये पड़ोसी को आप कितने साल से जान रहे हो? ये तो 15-20 साल से जानते हैं।
क्या नाम से है इनका घर, कौन से समाज से है? मलयाली है। मलयाली है। क्या नाम लिखते हैं? उन्नीतन। उन्नीतन। ये भी कितने साल से रह रहे हैं? इनके रिश्तेदार ये हैं, ये सब हमारे बाजू वाले, तो ये और ज्यादा जानते हैं। लेकिन कुछ हुआ नहीं क्योंकि सुबह तो काफी सब आए थे, तो सब तो कुछ नहीं निकला ना। कितने बजे की घटना थी ये? सुबह 5-6 बजे। आप जब उठे तो क्या देखे? गाड़ी वाड़ी बहुत सारा था। आपसे कुछ पूछताछ की? नहीं नहीं, हमसे बाहर खड़े थे, फिर चले गए उन लोग। क्या लगता है कहीं कहीं ब्लैक मनी इनके घर है, ऐसा कुछ लगता है आपको देख के? क्योंकि आप पड़ोसी हैं, हालात होलिया सूर्या बातचीत करने से आदमी आभास लेता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ आपको तो नहीं लगता है जैसे देख के? वो तो छोटे मोटे एकदम दाल रोटी खाने वाले लोग, कहाँ दिखेगा? कुछ तो दिखता है ना, नहीं तो चमक। इतना पैसा आप जो बोल रहे हो, इतना लंबा चौड़ा, यहाँ तो 10,000 रुपया महीना पे है। कितने देर तक रहे होंगे ईडी वाले? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा? ये तो नहीं पता कितनी देर, हम लोग तो देखे बस खड़े, फिर उन लोग चले गए। बहुत सारे लोग आए थे, चले। एक भाई साहब आए हुए हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा विशंबर चौहान। कैसे जुड़े हो इस घर से? नहीं, मैं इनके मतलब जो पहचान वाले उनके एंड में ड्राइवली करता हूँ। इन लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और बेटी बेटे इनके जो बाहर हैं उन लोग बहुत अच्छे आदमी, गरीब आदमी हैं, और बस बुजुर्ग लोग दोनों को ही रहते हैं। कुछ सामान नहीं लगते तो मेरे को ही बुलवा लेते हैं, बाकी लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। और इन लोग बहुत मतलब गलत इन्फॉर्मेशन मिली हुई इन लोग को, यार इन्फॉर्मेशन गलत था, ईडी गलत जगह आ गई, ईडी गलत जगह छापा मार लिए, ऐसे वैसे नहीं। और इन लोग बहुत डरे हुए हैं। हम अभी सुना कि डरे हुए हैं, घबरा गए, इस कारण थोड़ा कुछ लग रहा तो मैं यही लेके सामान ला के दे रहा। वैसे इनका बैकग्राउंड कोई बहुत क्रिमिनल वाला या पैसे का नहीं है? इन लोग ऐसा कुछ नहीं है। मैडम अपने सुबह जाती है जॉब में, 2-3 बजे आ जाती है, बाकी बुजुर्ग जो इसके हस्बैंड है वो यहीं रहते हैं। सर ये मामला लग सकता है, और पैसे का बड़ा करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसको लेकर ईडी भिलाई दुर्ग के हर घर में जा रही है, जहाँ जहाँ उसको क्लू मिल रहा है। और राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार कहती है कि हमने लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है सौरभ चंद्राकर के खिलाफ, लेकिन केंद्र सरकार क्यों सौरभ चंद्राकर को नहीं पकड़ पा रही है? केंद्र सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? वही केंद्र से आरोप लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महादेव ऐप में संलिप्तता है, और बड़ा पैसे का कारोबार है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन जैसे कि आज की खबर थी, सुबह सुबह 3 घरों पर राधिका नगर में पुलिस ने छापा मारा, और तो ईडी कहीं ना कहीं ईडी को क्लू मिलते जा रहा है। जैसे जैसे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और ईडी की कार्रवाई ताबड़तोड़ बढ़ते जा रही है। ईडी पिछले लंबे समय से कार्रवाई कर रही है, और देखते हैं कि दुबई वाले कनेक्शन के मास्टरमाइंड को, जो दुबई से कनेक्शन जो है इस पूरे अंपायर का, जो पैसे का हवाला का कारोबार जो फैला हुआ है, जिसके कारण ईडी इतना कार्रवाई कर रही है, दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर को कब तक पुलिस गिरफ्तार करती है, कब तक ईडी गिरफ्तार करती है, और कब तक केंद्र एजेंसी सौरभ चंद्राकर के पीछे पड़ती है, यह देखने वाली बात है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।